हाँ तो डियर, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस छोटे से YouTube चैनल अस्मिता स्टडी पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो है आपका जो फर्स्ट चैप्टर है साइकोलॉजी का, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर साइकोलॉजी का जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं एवं मूल्यांकन, ठीक है। क्या नाम है? मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएँ एवं मूल्यांकन, बुद्धि के सिद्धांत एवं व्यक्तिगत भिन्नताएँ, ये आपका चैप्टर का नाम है। और यहाँ से इस वीडियो में जो हम बात करेंगे लगभग लगभग इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव निकल के आया है, जो MCQ सीधा एग्जाम में पूछने वाला, ये हमारी गारंटी रहेगी सीधा एग्जाम में पूछने वाला ऑब्जेक्टिव हम खोज के लाए हैं। और लगभग लगभग जो है हम 30 ऑब्जेक्टिव ऐसे लाए हैं जो सीधा एग्जाम में पूछेगा आपको, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा और पूरा देख के जाइएगा ताकि यहाँ से कम ये वीडियो देखने के बाद आपको 5 नंबर आए, ठीक है। तो आप लोग जो है छोड़िएगा नहीं। चलिए देख लेते हैं। पहले का क्वेश्चन कह रहा है, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, फिर से देखेंगे। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो आपका ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर हम सीधा आंसर लिखे हैं क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। क्या हो जाएगा? स्पीयरमैन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। अगर आप पूर्ण बुद्धि को इकाई मान लिया जाए तो विशिष्ट तत्व का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। अगर पूर्ण बुद्धि को इकाई मान लिया जाएगा तो विशिष्ट तत्व का प्रतिशत कितना होगा? तो ये हो जाएगा 5%। कितना होगा? 5%। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। बुद्धि मापन विधि की प्रयोगशाला सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने स्थापित की, ठीक है। फिर से देखेंगे ना। बुद्धि मापन विधि की प्रयोगशाला सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने स्थापित की? तो उसका नाम था हॉल्स। क्या नाम था भैया मेरे? हॉल्स नाम था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ले ले। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 नंबर है, कह रहा 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया, ठीक है। तो फिर से देखेंगे क्वेश्चन। कह रहा 1982 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? तो आपका ऑप्शन रहेगा गाल्टन। क्या होगा? गाल्टन होगा, ठीक है। चले तो ये था आपका 4 क्वेश्चन। आगे हम बता रहे हैं फिर से, आप लोग जो है बने रहिएगा। छोटा सा वीडियो रहेगा, 8 से 10 मिनट का, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि का उपयोग सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया, ठीक है। तो बुद्धि मापन, बुद्धि लब्धि क्या होता है? वो जो हम आईक्यू लेवल जो करते रहते हैं वही होता है बुद्धि लब्धि, ठीक है। तो बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि का जो है उपयोग सबसे पहले जो है किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो ये मनोवैज्ञानिक जो था उसका नाम था टरमैन। क्या नाम था? टरमैन नाम था, समझ में आ रहा ना। चलिए आगे देखते हैं। करा 6 नंबर, बच्चों में शव का विकास किस आयु से होने लगता है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? बच्चों में शव का विकास किस आयु से होने लगता है? तो आपका ये जो ऑप्शन रहेगा लगभग 2 वर्ष। क्या हो जाएगा? लगभग 2 वर्ष, यानी कि भैया मेरे अगर बात करेंगे बच्चों में शव का विकास किस आयु से होने लगता है, तो 2 वर्ष में होने लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मनोविज्ञान परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्य को किसने प्रस्तुत किया, ठीक है। तो कह रहा मनोविज्ञान परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्य को किसने प्रस्तुत किया? तो MS मोहसिन। कौन किया था? MS मोहसिन किया था। कंप्लीट है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया मेरे, देख लेते हैं। कह रहा किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो बताइए जो किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, स्टेनबर्ग नाम था इसका। क्या नाम था? स्टेनबर्ग, ठीक है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, रेबेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक, ठीक है, किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? क्या है? रेबेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? तो आपका ऑप्शन है, ठीक है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। क्या कहलाएगा? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाएगा, ठीक है। आप लोग याद करके जाएगा ना, वहाँ ऑप्शन रहेगा, याद रहेगा, कट पे देवर मार देंगे हम, ठीक है।
चले आगे देख ले, कह रहा है किसने बुद्धि को व्यक्ति व्यक्तित्व की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। फिर से देखेंगे, किसने बुद्धि को व्यक्तित्व की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेसलर। क्या हो जाएगा? वेसलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है 10 ऑब्जेक्टिव पे अभी तक हम बात कर चुके हैं, यानी कि 10 ऑब्जेक्टिव पे, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे हम 11 से बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है क्वेश्चन, फ्रिट्ज हाइडर का संतुलन सिद्धांत में POX मॉडल में ओ प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो POX मॉडल में अगर ओ प्रतिनिधित्व किसका करता है वो देख लेते हैं। फ्रिट्ज हाइडर का जो संतुलन सिद्धांत है उसमें POX का मॉडल जो प्रस्तुत करता है, मतलब ओ क्या प्रतिनिधित्व करता है वो देख लेते हैं। जिस व्यक्ति की मनोवृद्धि का अध्ययन किया गया, मतलब जिस व्यक्ति की मनोवृद्धि का अध्ययन किया जाएगा वही जो है ओ पर ओ से हम क्या करेंगे, सूचित कर देंगे। कंप्लीट है, चलिए आगे बढ़े। करा स्पीयरमैन ने बुद्धि के कितने तत्वों की चर्चा की है, तो 2। स्पीयरमैन ने बुद्धि के कितने तत्वों की चर्चा की, तो 2 की। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। करा बच्चों में शव का विकास किस आयु से होने लगता है, तो लगभग 2 वर्ष में। कितना वर्ष में? 2 वर्ष में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर मोहसिन सामान्य क्या है, डॉक्टर मोहसिन सामान्य बुद्धि परिलक्षण किस प्रकार का परीक्षण है। ठीक है, तो डॉक्टर मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण की बात करेंगे तो यह शाब्दिक एवं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। क्या है? शाब्दिक एवं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सर्वप्रथम बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि सूत्र किसने विकसित किया, तो एस्टर्न क्या था, कौन क्या था? एस्टर्न। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जिन व्यक्तियों का बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होता है उन्हें कहते हैं, उसको मंद बुद्धि वाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंद बुद्धि, मतलब जिसका बुद्धि लब्धि 80 से 89 रहेगा वो हो जाएगा मंद बुद्धि। ठीक है, तो ये जो है अभी तक हम 16 बता दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, हम ज़्यादा समय जो है आपका नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बता देते हैं। 17 नंबर, ठीक है, करा किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ, तो 1994। ठीक है, किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ, 1994। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया, तो टर्मन ने किया था। कौन किया था? टर्मन। फिर से क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया, तो टर्मन ने किया। ठीक है, चलिए, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि की कितनी मानसिक योग्यताएं हैं, तो 7। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि की कितनी मानसिक योग्यताएं हैं, तो 7 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जिन व्यक्तियों के बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें कहते हैं, तो वो औसत रहता है। ठीक है, क्या रहता है? अगर 80 से 89 है, 80 से 89 है तो क्या है? मंद है। 90 से 100 है तो औसत है। ठीक है, चलिए आगे देख ले। करा बुद्धि के पास मॉडल को किसने प्रस्तावित किया, तो बुद्धि के पास मॉडल करा ना, तो बुद्धि के पास मॉडल को प्रस्तावित किया था जेपी दास। कौन किया? जेपी दास किया था। ठीक है, चले आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। करा बहुबुद्धि का प्रतिपादन किसने किया, तो गार्डनर ने किया था। कौन किया? गार्डनर। ठीक है, चले आगे बढ़ लेते हैं। 23 नंबर है, करा मानसिक आयु के संप्रत्यय से किसने परिचय कराया। ठीक है, मानसिक आयु के संप्रत्यय से किसने परिचय कराया, तो इसका ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पे, आंसर हो जाएगा बीने साइमन। कौन कराया था? बीने साइमन कराया था। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मात्र जो है अब लगभग में जो है आपका जो क्वेश्चन बचा है वो इधर है, मात्र 4 क्वेश्चन पे हम बात करेंगे आपका। क्वेश्चन नंबर 24 है ना, मानसिक आयु में के संप्रत्यय से किसने परिचय कराया, तो मानसिक आयु के संप्रत्यय से किसने परिचय कराया, तो आपका हो जाएगा बीने साइमन कराया। कौन कराया? बीने साइमन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। करा बुद्धि विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो बीने थे। कौन थे? बीने। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। करा एक मूठ व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार क्या होता है, तो 50 से 69 होता है। मूठ व्यक्ति जो साफे बेकार होता है, ठीक है, उसका बुद्धि लब्धि होता है 50 से 69। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, किसने बुद्धि को सार्वभौमिक क्षमता कहा। ठीक है, तो बुद्धि को सार्वभौमिक क्षमता किसने कहा? वेसलर ने कहा था। कौन कहा था? वेसलर ने। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका 27 ऑब्जेक्टिव जो इस चैप्टर से हम निकाल करके लाए थे। अगर एग्जाम की दृष्टि से बात करेंगे तो भैया मेरे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, और आप जो है अपने कॉपी में नोट करिए और फटाफट जो है याद कर लीजिए,
चूँकि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे आए इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, और तब तक के लिए बाय।